अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर हम एक्टिव से पैसिव वॉइसेस या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइसेस बनाते वक्त नाउन्स की बजाय प्रोनाउन्स को सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम इन प्रोनाउन्स को तब्दील करें कि हमारा सेंटेंस गलत ना हो। हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ये सारे इनके सब्जेक्टिव केसेस हैं और इनके सामने इनके ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, और इसी तरह सारे लिखे हुए हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें या फिर सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा। अगर हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए और हमने उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस पुट कर दिया है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ही कैचेस बॉल, वो बॉल पकड़ता है। अब इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, बॉल, उसके बाद हमने जो फॉर्मूला है उसको फॉलो किया, एंड पर यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, अब हम ये ही हू बहू यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं लेके आएंगे क्योंकि ये ही सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, इसलिए हमने यहाँ पर हिम लिख दिया है। अगर हम ही को यहाँ पर लिख देते तो इससे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। दूसरी एग्जांपल देखिए, शी हिट्स मी, वो मुझे मारती है। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो हम केस भी सब्जेक्टिव लिखेंगे। अब यहाँ पर हम मी नहीं लिखते, मी लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस शुरू से ही गलत हो जाएगा। तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस चाहिए जो कि है आई। तो यहाँ पर आई आ गया, उसके बाद हमने फॉर्मूले को फॉलो किया, एंड पर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, शी सब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, इसलिए हमने यहाँ पर हर लिख दिया है, आई एम हिट बाय हर। इस तरह हमारा ये सेंटेंस भी हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, I eat apple, मैं सेब खाता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, एप्पल, उसके बाद सारा फार्मूला हमने फॉलो किया। यहाँ पर देखिए I सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो I का ऑब्जेक्टिव केस है मी, इसलिए हमने यहाँ पर मी लिख दिया। अगर हम यहाँ पर I लिख देते, सब्जेक्टिव केस लिख देते, तो इससे हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाता। चौथी एग्जाम्पल देखिए, आई एम हिट बाय हर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए, हर का सब्जेक्टिव केस है शी, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे शी हिट्स, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है और केस भी हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मी। अब ये बन गया है एक्टिव वॉइस और ये है इसका पैसिव वॉइस, शी हिट्स मी, वो मुझे मारती है, आई एम हिट बाय हर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जो प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।